टाटपट्टी ग्राम सेवा संघम ने भी देश का 73वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर समाज में अपने कार्यों से उच्च स्थान बनाने वालों का स्वागत सम्मान भी परंपरा अनुसार किया गया। देश के 73वें गणतंत्र दिवस पर भिलाई शहर में भी जगह जगह अनेकों आयोजन हुए। इसी कड़ी में कैंप वन में प्रवासी तेलुगु भाषी लोगों की संस्था टाटपट्टी ग्राम सेवा संघम एवं माँ राज राजेश्वरी महिला स्व सहायता समूह के संयुक्त तत्वाधान में गणतंत्र दिवस का समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वार्ड पार्षद सत्या देवी जायसवाल एवं टाटपट्टी ग्राम सेवा संगम के अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी समाज के बीच में अपनी उत्कृष्टता सिद्ध करने वाले लोगों का स्वागत सम्मान प्रतीक चिन्ह एवं पुष्प गुच्छ देकर किया गया। साथ ही माँ राज राजेश्वरी महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्षा एवं समाज सेवी बी पुलम्मा, जिन्होंने महिला उत्थान की दिशा में कार्य करते हुए अपनी अमिट छाप छोड़ी है, उनका भी स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही क्षेत्र के प्रख्यात पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। समाज के पदाधिकारियों ने इस मौके पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए समाज की संगठनात्मक शक्ति बढ़ाने पर बल दिया। जहां कार्यक्रम की जानकारी टाटपट्टी सेवा संगम के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों सहित समाज सेवी बी पुलम्मा ने दी, तो वहीं वार्ड पार्षद श्रीमती सत्या देवी जायसवाल ने ऐसे आयोजनों से समाज के उत्तरोत्तर विकास की बातें कही। बताइए, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम जिसमें सम्मान समारोह किया गया है, किन लोगों का सम्मान है, क्या उद्देश्य है इसका? सर, ऐसा है, अभी 2 फरवरी 2020 को हमने 50 वर्ष पूरा किया। इसके लिए हमने स्वर्ण जयंती महोत्सव, तो हमारे युवा विधायक जो देवेंद्र यादव जी, उनको उनके आतिथ्य में कार्यक्रम सम्पन्न किए। ये 52वां वर्ष है ताजपट ग्राम सेवा संगम का, जो हमारे पूर्वज पिता के उनके पहले से जो स्थापना किए थे, उनके इस उद्देश्य को हम आगे बढ़ाते हुए ये इस संघ को निरंतर चलाते आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य हमारे गांव के बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा, खेलकूद, सभी विभागों में उनका प्रोत्साहन दिलाना, प्रोत्साहित करना है। आज हमारे बीच में हमारे यहाँ के एक बच्ची मेडिकल में ज्वाइन की है, एक अभी IIT खड़गपुर में ज्वाइन की है। हमारी बहन जी पोलम्मा जी, जैसा अभी आप लोगों को बताया, छत्तीसगढ़ पुरस्कार से अलंकृत की गई है। तो ये सब जो है हमारे प्रयासों का ही नतीजा है। हम प्रोत्साहित करते रहते हैं हमारे सभी सदस्यों के परिवारों को कि आगे आइए और अपने गांव को, अपने समाज को आगे बढ़ाइए, ये हमारा उद्देश्य रहता है। 73वीं गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। टाटपट्टी ग्राम सेवा संगम के तत्वावधान में विगत 52 वर्षों से हमारे गांव के जो भी विभिन्न क्षेत्रों में खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां, उच्च शिक्षा या सामाजिक सेवा में या विभिन्न क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में जो भी हमारे बीच हमारे घर के बहू बच्चे जो भी विशिष्ट स्थान प्राप्त करते हैं, उनको सम्मान हर वर्ष इस 26 जनवरी को हम एक तिथि घोषित करते हुए उनको करते हैं, ताकि जो इसके बाद की पीढ़ी जो भी है इनसे सीख लें, इनकी तरह आगे बढ़े। किसी भी क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र में ये लोग आगे बढ़ते हैं, उनको हम सम्मान करते, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। ताजपट ग्राम सेवा संगम हमेशा इस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाता रहेगा। आयोजन तो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हम तो उन लोगों, उनके जो मार्गदर्शन है, उनकी जो छाया है, उन लोगों ने जो अंश छोड़ा है, हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको आगे लेकर के जाएं। हमारे जो आगे के जो आदरणीय है, हमारे जो समाज के जो मुख्य जो पदाधिकारी गण हैं, हमारे जिस उनकी जो सोच है, हम उनके जो मार्गदर्शन में जो काम कर रहे हैं, वो पर्दे के पीछे रह करके हम लोगों को जो गाइड करते हैं, ये सब उसका नतीजा है, आज सबका परिणाम है। आज हम लोग जो भी यहाँ कर रहे हैं, दिख रहे हैं, हमारे जो आदरणीय जो समाज के जो कुलपति हैं, उनका मेरे को विगत 25 वर्षों से लगातार उनकी प्रेरणा मिलती आ रही है। और भी जो हमारे सामाजिक हैं, यहाँ जितने खड़े हैं, ये सब हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। ये हम तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मैं इसी गांव की बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ, तो मुझे दोनों तरफ का जो आशीर्वाद और जो सहयोग मिल रहा है, उन सभी के प्रेरणा से ही हम लोग इस काम को कर पा रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि हम आने वाली जो जनरेशन है, हम उनको भी इन सब चीज़ों से जोड़ करके इस प्रकार के सामाजिक कार्यों को हम लोग आगे दें। आज गणतंत्र दिवस पर हम सभी एकत्रित हुए हैं और यहाँ आने के बाद हमने पोलम्मा दीदी के बारे में जो सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर इसी तरह अपने हर वार्ड में एक एक महिलाएं अगर जागरूक होती हैं, तो बच्चों के लिए जो अभी से जा रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा है।
और इसी तरह अगर कोई भी महिला आगे आकर के इस तरह समझाती है अपने वार्डवासियों को, अपने वार्डवासियों को समझाने के बाद और बच्चों को भी समझाती हैं, बच्चे भी पढ़ाई करके इतने अच्छे अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें सुनकर देखकर मन को तो बहुत बहुत गर्व हो रहा है। और गणतंत्र दिवस पे हम सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और गणतंत्र दिवस मनाना बहुत अच्छा लगता है और अपने भारत देश में तो बहुत ही अच्छी तरह से मनाया जाता है, जैसे कि कोई एक त्यौहार हो, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें देख करके। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुए इस विशेष कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी गई एवं राष्ट्रगीत भी गाया गया, साथ ही उपस्थित जन समुदाय में मिष्ठान का वितरण भी किया गया। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।